दिस इज़ डॉक्टर विनय सोद अनहेल्दी फैट एंड के पार्ट वन में बात करूँगा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फैट इन अ बॉडी हमने जो ग्रेजुअली फैट गेन किया हमने कितना फैट गेन किया इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने फैट गन कहाँ पर किया बेसिकली हम फैट गन दो जगह पर करते हैं एक तो स्किन के नीचे हमारी सारी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है और दूसरा अप डाउन है जो स्किन के नीचे फैट के करते हैं तो उसे हम सबकोटेनियस फैट कहते हैं सबकोटेनियस फैट हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल केमिकल्स बनाता है दूसरा जब सूरज की रोशनी सनलाइट सबकोटेनियस फैट में कोलेस्ट्रॉल पे पड़ती है वो कोलेस्ट्रॉल प्री विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्री विटामिन डी लिवर और किडनी से होता हुआ एक्टिव फॉर्म विटामिन डी बन जाता है दूसरी और जो हमने फैट वेट में गेन किया उससे हम एबडामिनल फ़ैट कहते हैं इससे हम अनहेल्दी फैट बिस्तर फैट वैली फैट के नाम से भी पुकार एबडामिनल फ़ैट हमारे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स बनाते हैं और ये हार्मफुल केमिकल्स हमें सब ये बीमारियाँ लगाती हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक्स डायबिटीज़ किडनी डैमेज लिवर डैमेज हमारी बॉडी में कितना सबकोटेनियस फैट इकट्ठा होगा और कितना अपडाउन फैट इकट्ठा होगा ये हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड साउथ एशियंस इन जनरल और इंडियंस इन पर्टिकुलर हमारा जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज एशियन इंडियन फिनोटाइप और थिन फैट फिनोटाइप हमारे जो भी फैट होता है वो अपडाउन में इकट्ठा होता है और लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट में इकट्ठा होता है और वो बाजू और टांगों में सब फैट इकट्ठा नहीं होता है इससे हमारी बाजू और टांगे पतली हैं हमारी चेस्ट भी हमारे रिब है हम ब्रॉड नहीं हैं क्योंकि हमारी बाजू टांगे पतली हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड दिखते हैं बेसिकली जैसे जैसे हम कहते हैं थिन फैटोटाइप वी आर थिन विथ क्लोथ्स एंड वी आर फैट विदाउट क्लोथ्स क्लोथ अनहेल्दी फैट को कवर कर लेते हैं और जबकि बाजू और टांगे दिखाई देती हैं जो कि पतली हैं ऐसे लगता है जैसे हम बहुत ज़्यादा स्लिम और मेनटेन्ड हैं बेसिकली हम फैट और ओवरवेट नहीं दिखाई देते पर हम मेटाबॉलिकली और हमारा जो जेनेटिक सेटअप है वो यूरोपियंस और अमेरिकन है फैट स्किन के नीचे इकट्ठा होता है इनके अबडोमन में अनहेल्दी फैट इकट्ठा नहीं होता इसीलिए इनकी डाइट एक्सरसाइज और इवन मेडिसन भी हमारे से डिफरेंट है जैसे कि अगर एक पूरा केक भी खा लेते हैं तो इनकी स्किन के नीचे इकट्ठा होगा इनके अबडोमन में नहीं जाएगा इनके ऑर्गन्स में नहीं जाएगा पर हम अगर एक बाइट भी लेते हैं तो हमारे स्किन के नीचे तो है ही नहीं जगह ही नहीं है उस के नीचे नहीं जाएगा वो सारा हमारे पेट में इकट्ठा होगा और यहाँ से हमारे लिवर और लीवर और पैनक्रियाज वगैरह को में कलेक्ट होकर उनको डैमेज करेगा यही कारण है कि इंडियंस जो हैं उनका बी एम आई ट्वेंटी फाइव से कम होता है तब भी उन्हें हाई ब्लड प्रेशर शुगर और इवन स्टंट भी पड़ जाता है जबकि यूरोपियंस अमेरिकन का ये 25 फाइव एक नॉर्मल बी माना जाता है अब हमारी बॉडी में टोटल बॉडी फैट कितना है ये हमें पता लगेगा डेक्स स्कैन से हमारा वेट पानी के नीचे कितना है और एयर डिस्प्लेसमेंट से हमें पता लगे पर ये चीजें हर रोज करानी प्रैक्टिकल नहीं है तो ये पैरामीटर्स हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में हेल्दी फैट और अनहेल्दी अबडामल फैट कितना है हमारा बॉडी वेट और बीएमआई हमें बताता है कि हमारी बॉडी में सबकोटेनियस फैट मसल्स और बोन मास कितना है जबकि ये पैरामीटर्स हमें बताते हैं वेस्ट सर्कम्फ्रेंस हमें बताती है कि अनहेल्दी अबडामल फैट हमारी बॉडी में कितना है वेस्ट सर्कम्फ्रेंस इट शुड बी लेस देन नाइन्टी सेंटीमीटर इन मैन एंड एट्टी सेंटीमीटर इन वीमेन दूसरा वेस्ट टू हाइट रेशियो दैट शुड बी लेस देन 0.5 और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है waist to hip ratio. वेस्ट पे अनहेल्दी एब्डोमिनल फैट है हिप और में सब कंटेनियस फैट है जितनी ये रेशो कम होगी उतनी हम हेल्दी होंगे नॉर्मली ये रेशो इन मैन इज लेस देन 0.9 इन वीमेन इट शुड बी लेस देन 0.85 अब ये टेप हमें बहुत गाइड करती है हम कितने हेल्दी हैं और इजी वे ये है कि अगर आप अपने 10 साल पुराने कपड़े डाल लें और ये चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है तो आपका शरीर हेल्दी नहीं है अब हमने इस अनहेल्दी फैट का रीज़न क्या? है? इतना हमारे जींस है। दूसरा जो है हमने खाने को बहुत इंपॉर्टेंस दी बेसिकली हम कुछ भी खाएँ गेहूँ मक्का बाजरा मिलेट ओट बाले राइस रेड राइस ब्राउन राइस कुछ भी ले अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में सबकुटेनियस फैट मसल्स और बोन्स बनेंगे और अगर हम नहीं वर्कआउट कर रहे तो सारा हमारा अनहेल्दी ऑब्डामिनल फैट देगा ये अनहेल्दी ऑब्डामिनल फ़ैट्स ये सारे पॉइजनस केमिकल्स बनाएगा और ये पॉइजनस केमिकल्स हमें सब बीमारियाँ करेंगी जो कि मैंने पीछे मैंशन किए अब हमसे दो गलतियाँ होंगी एक तो हमने वेट लूज करते रहे वेट लूज करने से हम हेल्दी सबकुटेनियस फैट लूज करते रहे अपना मसल मास और बॉडी मास लूज करते रहे हमने वेस्ट तो कम की नहीं अगर वेस्ट हमारी कम होगी तो अनहेल्दी अब फैट कम होगा ये कम होगा तो पॉइजन सब्सटेंसेस कम बनाएगा और हमें बीमारियां कम लगेंगी और दूसरा हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिनरल विटामिन कैल्शियम लिपोइक एसिड ओमेगा थ्री फैटी एसिड और प्रोटीन सब कुछ खाते रहे कि ये हमारे शरीर को हेल्दी करेंगे और हमने वर्कआउट नहीं किया जैसे कुछ जो हम खाते रहे ये अनहेल्दी ऑब्डोमिनल फ़ैट बनाया अनहेल्दी ऑब्डोमिनल फ़ैट ने हार्मफुल केमिकल्स बनाए और उन्होंने सब बीमारियाँ की अब दो चीज़ें हैं ध्यान में रखें एक तो हमने अपनी वेस्ट को किसी भी हालत में बढ़ने नहीं देना और दूसरा हमने वर्कआउट करना है यानी कि अगर हम ये चीज़ें खा रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं ये सारा अमृत है हमारे लिए और अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे ये सारा पॉइजन है इस वीडियो में इतना ही आप पार्ट टू में बताऊंगा कि ये जो अनहेल्दी फैट हमारे ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कैसे नुकसान करता है वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान थैंक यू